रमजानुल मुबारक का महीना रुखसत होने को है। जमीयत उलेमा हिंद के सदर कारी अरशद महमूद कासमी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अल्लाह ने नेकियों का मौसम में बहार अपना मोहतरम मेहमान रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता फरमाया जो रुखसत होने को है। चंद दिन ही शेष बचे हैं। अरशद महमूद कासमी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद जमीयत उलेमा हिंद ने शरीयत की रोशनी में रहनुमाई करते हुए कहा कि अलविदा जुमा व ईद उल फितर की नमाज घरों पर रहकर ही अदा करें। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आला नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के कारण इसका भरपूर पालन करें, शासन प्रशासन के कायदे कानून को माने, इसी में सबकी भलाई है। ईद उल फितर पर गरीबों का ख्याल रखें, ईद सादगी के साथ मनाएं। ईद उल फितर के नाम पर बाजारों में भीड़ न लगाएं, अपने वतन के गैर मुस्लिम भाइयों की आस्थाओं को भी ठेस न पहुँचाएं। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد جتنی بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے کہ اللہ کریم نے نیکیوں کا موسم بہار اپنا مہمان محترم رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا جو سراپا رحمت مغفرت آگ سے نجات والا ماہ صیام ہے अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है। रोज़ेदार बंदे बंदियों की मजदूरी इनाम तोहफे की शक्ल में ईद उल फितर का मुबारक दिन अब आने को है अल्लाह की मर्ज़ी। इस मरतबा आलमी वबा कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में आ रही है, सवाल जायज़ है इस मुसीबत की घड़ी में ईद की नमाज़ कैसे और किस तरह पढ़ी जाएगी और शरीयत का क्या हुक्म है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन हालात में पांचों फ़र्ज नमाजें और जुमा चार आदमी इमाम के साथ मिलकर मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह मस्जिदों में ईद की नमाज ही पढ़ी जाएगी। बकिया लोग अपने घरों में ईद की नमाज उसी तरह अदा करेंगे जिस तरह और नमाजें आप अपने घरों में पढ़ रहे हैं। ख्याल रहे कि ईद की नमाज वाजिब और ईद की नमाज के बाद खुतबा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। ईद की नमाज में भी इमाम समेत चार आदमी ही जमात में शामिल होंगे। घरों में भी दो ही रकत ईद की नमाज पढ़ेंगे। नमाज ईद के बाद दुआ और फिर इमाम खुतबा देगा। खुतबा मुख्तसर याद कर लें, तैयारी कर लें, अभी वक्त है। खुतबा किताब की शक्ल में या कागज़ पर लिखकर पढ़ दें तो भी कोई मज़ायका और हरज नहीं, ज़बानी खुतबा दें तो ज़्यादा बेहतर। बहालत मजबूरी अगर ये भी मुमकिन न हो सके तो जो नमाज़ पढ़ा रहा है वो कम से कम इतना भी कर ले तो खुतबे का हक अदा हो और उसकी सुन्नत पूरी हो जाएगी। पहले खुतबे में अल्हम्दु शरीफ या सूरह कौसर सूरह इखलास पढ़ लें और दूसरे खुतबे में दरूद शरीफ पढ़ लें तो ये खुतबे की सुन्नत अदा हो जाएगी। खुदा न खास्ता अगर घर में नमाज पढ़ाने वाला इमाम खुतबा न दे सके या पढ़ ना सके और ईद की दो रकत नमाज तो उस वक्त में वो ईद की दो रकत नमाज छः जायद तकबीरात के साथ पढ़ा दे, उसकी भी अमली ट्रेनिंग पहले से हो, कोशिश कर ले बग़ैर खुतबे के ही ईद की नमाज़ पढ़ा दे। और अगर ईद की नमाज़ पढ़ाने वाला भी कोई घर में नहीं है तो ऐसी सूरत में घर का हर आदमी दो दो रकत की शक्ल में चार रकत चाश की नमाज अदा कर ले। अच्छी तरह समझ लीजिए, ईद की नमाज़ की कज़ा नहीं है बल्कि अल्लाह के हुजूर शुक्राने के तौर पर सर झुकाना अपनी बंदगी और आजजी का इजहार मकसूद है, जिसमें बेशुमार फ़ायदा ही फ़ायदा और उसका पढ़ना मुस्तहब। आइए ईद की नमाज का तरीक़ा समझ लें। नीयत दिल से इरादे का नाम है, ज़बान से पहले तो अच्छा है। मैं दो रकत नमाज ईद की वाजिब छः जायद तकबीरात के साथ अल्लाह ताला के वास्ते इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लें और फिर सना पूरी पढ़ लें। उसके बाद पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाएं, छोड़ दें। इसी तरह दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नाफ पर बांध लें, अलहम्दु शरीफ सूरत पढ़कर रुकू करें, सजदा करें। दूसरी रकत में अलहम्दु शरीफ सूरत पढ़कर बकिया तीन जायद तकबीरें कह लें। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर इसी तरह कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर इसी तरह कहें, हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दें। और चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहें
और बिना हाथ कानों तक उठाए हुए रुकू में चले जाएं और इसी तरह बकिया नमाज हस्ब आदत पूरी कर लें। ये ईद की नमाज का तरीका है। ईद की नमाज मर्दों पर वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है। आप जानते हैं कि आखिरी अशरे के कुछ ही दिन बाकी हैं। इन मुबारक दिन और रात की जो ये लम्हात हमें मिले हैं, कमा हक्कहू कदरदानी करते हुए अपना कीमती वक्त जिक्र तिलावत याद इलाही तौबा इस्तग़फ़ार में गुजारना है। और जो महामारी कोरोना वायरस अज़ाब खुदाबंदी की सूरत में पूरी दुनिया और हमारे प्यारे वतन को अपनी चपेट में लिए हुए, लाखों इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लाखों वबा का शिकार हैं, इस महामारी और मुसीबत से छुटकारे के लिए और अपने देशवासियों और तमाम दुनिया के इंसानों की सलामती और सेहत के लिए खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ करना है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा कर इस वबा को दुनिया से दूर कर दें। मैं अपने बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, माओं, बहनों, बेटियों से मुअद्दिबाना अपील करता हूँ कि ईद की ख़रीदारी के नाम पर हरगिज़ हरगिज़ बाज़ारों की भीड़ न बने। बूंदे, चोटी, जूते, चप्पल खरीदने के नाम पर दुकानों पर शॉपिंग खरीदारी झमकटे से हर हाल में दूर रहें, अपने ही घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। इसी तरह हम अपने नौजवान बच्चों को भी सख्ती से समझाएं कि ईद के शौक में मस्जिदों में जाने की कोशिश न करें। इसी तरह ईद की खुशी के नाम पर हमारे नौजवान मोटरसाइकिलें लेकर घरों से बाहर निकलकर सैर व तफरी, मटर गश्ती, मजमा लगाने, घूमने फिरने से हर हाल में बचें। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इस महामारी को फैलाने का कोई भी अमल इस्लाम की नज़र में कतन हराम और कानून की नज़र में जुर्म। हर हाल में ये भी तय कर लें कि इस मरतबा ईद सिर्फ और सिर्फ पुराने कपड़ों ही में मनानी है, नए कपड़ों में नहीं। और इस रकम को बचाकर गरीबों, बेरोज़गार मजदूरों, भूख से परेशान हाल लोगों, अपने पड़ोसियों की मुस्तहिक हाल लोगों की मदद करनी है। अल्लाह के नबी का फरमान, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसी तरह एक ख़ास नुक्ते की तरफ आपको तवज्जो दिलाना मकसूद है। यहाँ लाउड स्पीकर के